शरीर के किसी भी हिस्से में भयंकर से भयंकर तेज दर्द, भयंकर से भयंकर शरीर की सूजन लगाते ही गायब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो तेल देख रहे हैं ना, इस तेल को प्रभावित स्थान पर मालिश कर लो। मालिश करते ही दर्द और सूजन गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। अगर आपको कमर में तेज दर्द होता हो, अगर आपको घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द होता हो, अगर आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, नसों में सुन्नपन रहता है, नसें कमज़ोर रहती हैं, या फिर आपके कूल्हे में दर्द रहता है, साइटिका का पेन हो गया है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में, गर्दन में और पिंडलियों में दर्द होता है, पंजों में खिंचाव होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, चलते फिरते बैठते समय दर्द होता है, तो इस तेल को लगाते ही सब ठीक हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। तो इस तेल को बनाने के लिए आपको 8 प्रकार की औषधियाँ लेनी है। पहली औषधि है दालचीनी, दूसरी औषधि है अजवाइन, तीसरी औषधि है मेथी, चौथी औषधि सौंठ, पाँचवीं औषधि अश्वगंध, छठी औषधि जावित्री, सातवीं औषधि धतूरे बीज, आठवीं औषधि लहसुन, और इसमें हमने ऐड किया है अंतिम औषधि के रूप में सरसों का तेल। अब आइए जानते हैं इन औषधियों की मात्रा और इसकी पहचान। तो देखिए, दालचीनी इसमें आपको ऐड करना है 10 ग्राम, अजवाइन आपको इस नुस्खे में ऐड करना है 20 ग्राम, आपको मेथी दाना इस नुस्खे में ऐड करना है दोस्तों 30 ग्राम, आपको इस नुस्खे में ऐड करना है सौंठ 50 ग्राम, इस नुस्खे में आपको ऐड करना है अश्वगंध नागौरी 30 ग्राम, जावित्री आपको इस नुस्खे में ऐड करना है 50 ग्राम, धतूरे के बीज इस नुस्खे में आपको ऐड करना है 100 ग्राम, लहसुन आपको इस नुस्खे में ऐड करना है 30 ग्राम, और सरसों का तेल लेना है आपको आधा लीटर। अब देखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि तेल बनाने के लिए आपको बताई गई सभी जड़ी बूटियाँ उचित मात्रा में ले लेना है। जितनी मात्रा मैंने यहाँ पर बताई है, मात्रा के अनुसार सभी जड़ी बूटियाँ ले लेनी है। और ध्यान रखें, ये रखें कि सभी जड़ी बूटियाँ साफ सुथरी और नई हो। औषधि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी ज़्यादा होगी तो औषधियों गुणधर्म खत्म हो जाएंगे। सभी जड़ी बूटियों को खरल मूसल में डाल दीजिएगा और इन्हें अच्छे से कूट लीजिएगा। अच्छे से कूट करके इस औषधियों को जौ कूट कर लें कुछ इस तरीका से, और जौ कूट किए हुए इस औषधि चूर्ण को आप सरसों के तेल में डाल दीजिए और चम्मच की सहायता से इसे मिला करके एक जान कर लीजिएगा, तेल और यह चूर्ण। फिर इसमें आप पानी ऐड कीजिएगा, तेल के बराबर पानी डालिएगा और फिर इसे भी अच्छे से मिला करके और गैस पर चढ़ा दीजिए। फिर गैस पर इसे धीमी आंच पर पकाइए ताकि औषधियाँ तुरंत जल ले ना पाए, और इसे पकाते रहिए। जब ये औषधियाँ जल जाए और तेल ही तेल बचे, पानी पक जाए, औषधि पक जाए, तो इसे छान लीजिए छन्नी की सहायता से। फिर इस छने हुए तेल को आप एक शीशी में भर के रखिए। बस आपका तेल बन करके रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब आइए जानते हैं इस दिव्य तेल को कैसे यूज करना है और इसे लगाने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है ना, तो इस तेल को लगाने से तुरंत आराम हो जाता है। अगर आपके कमर में तेज दर्द होता है, घुटने में तेज दर्द होता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है, नसों में सुन्नपन रहता है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, या फिर कूल्हे और गर्दन में दर्द होता है, दर्द के साथ साथ शरीर के किसी भी हिस्से में अगर सूजन भी हो गई है, घुटने जाम हो जाते हैं जिस कारण से चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, तो इन सभी समस्याओं में यह दिव्य तेल बड़ा ही चमत्कारी असर दिखाता है। दोस्तों, इस तेल का इतना प्रभाव स्थान है कि अगर इसे लगाते हैं ना, तो भयंकर से भयंकर दर्द भी लगाते लगाते आराम हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं इस तेल को कैसे लगाना है और कैसे यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तेल को लगाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पर भी आपको दर्द है, इस तेल को थोड़ा सा लीजिए और लेने के बाद आप उसे हल्के हाथ से मालिश कीजिएगा। बस मालिश करना है, हो सके तो धूप में बैठकर मालिश कीजिएगा अथवा थोड़ा आग दिखा करके सिकाई कर लीजिएगा। इस तेल को लगाइए, थोड़ा परहेज कीजिएगा, बातांश वाली चीज़ें ना खाइए। परहेज के साथ साथ इस तेल को लगाते हैं तो सभी प्रकार के दर्द और सूजन गायब हो जाते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।